हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके अपना यूट्यूब चैनल मन जागे क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कंप्यूटर का पार्ट कर रहे हैं, टॉप 100 क्वेश्चन का पार्ट सेकंड सीरीज है। ठीक है, हम लोग पार्ट फर्स्ट में 104 क्वेश्चन कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 104 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट का कर चुके हैं। नहीं देखेंगे, देखिए वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको आने वाला है। आज पार्ट टू होने वाला है और एक बार पार्ट तीन तक चलेगा। ठीक है, लगभग 350 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बहुत बेहतरीन तरीका से हो रहा है, क्वेश्चन काफ़ी देखने को यहाँ डायरेक्ट एग्जाम मिल सकता है आपको। ठीक है, चलिए तो आज टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज पार्ट टू करेंगे। अभी हम लोग कंप्यूटर के जेएसएससी सीजीएल का कैंडिडेट है तो जरूर देखिएगा, आपको रामबाण साबित हो सकता है एग्जाम में। ऐसा ही क्वेश्चन सचिवालय में आएगा, यहाँ से गारंटी है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना कुछ नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपके तक टाइम टू टाइम पहुँच सके और आप उस वीडियो को देख कर इंजॉय करके अपना सिलेक्शन का चांसेस बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। चलिए दोस्तों, पेन चेंज कर लेते हैं रेड कलर। चलिए, कौन सा कलर करें आज? आज करते तो ग्रीन करते, मज़ा आ जाएगा। हैं, ठीक है, चलिए चलिए 105 नंबर से स्टार्ट। 104 तक कल हो चुका था, ठीक है, 105 हम लोग चलेंगे आज। सेलेक्ट द ऑन ऑड बताना कौन है। ठीक है, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ दीज। देखिए लग ही रहा है डी द राइट आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है चारों में से। ठीक है, 106 नंबर, डैश इज एन इनपुट डिवाइस। चलिए, डैश इज एन इनपुट डिवाइस दैट कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन एम एस ऑफिस। जो एम एस ऑफिस, कौन सा इनपुट डिवाइस जो एम एस ऑफिस में यूज नहीं करते हैं? टच पैड करते हैं, प्रिंटर को भी करते हैं, मॉनिटर को भी करते हैं, माउस को भी करते हैं, जॉयस्टिक को नहीं करते हैं प्रिंटर में। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जॉयस्टिक को हम लोग ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसे एम एस ऑफिस हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आई सी एम एम पी के फुल फॉर्म पाते हैं, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। क्या है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। दो बार बोलिए, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए तो इसका 107 का बताइए। चलिए तो ये क्या होगा? ये प्रोटोकॉल दैट हैंडल्स एरर एंड कंट्रोल मैसेज, ए इज द राइट आंसर। 107 का ए हो जाएगा। रिपीटर फंक्शन इन, रिपीटर फंक्शन किसमें होता बताइए? ओएसआई का, ओएसआई मॉडल पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए तो रिपीटर का जो फंक्शन किसमें काम करता है? फिजिकल लेयर में काम करता है। आप लोग पता ही होगा 7 लेयर होता है ना, एप्लीकेशन लेयर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर होता है, सेशन लेयर होता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, फिर नेटवर्क लेयर होता है, डाटा बेस होता है, फिर फिजिकल लेयर से करके होता है, आप लोग देखे होंगे शायद। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा इसको, तो ये फिजिकल लेयर में काम करता है रिपीटर। डैश इज वैलिड सबनेट क्लास बी आईपी एड्रेस। देखिए तो इतना डीप में तो नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए, क्लास बी आई टी आई पी एड्रेस कितना होता है? 191 से लेके 255 के, 255 के बीच में होता है। ठीक है, ये आई पी एड्रेस बी का है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा आई होप, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा डीप में चला जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर तो ऐसे ये हो जाएगा डी, लेकिन इतना ही नहीं है मतलब। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट लेगिटिमेट टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस? मल्टी पार्टिकल वायरस, नैनो वायरस, रेसिडुअल वायरस, रेसिडेंट वायरस, हैंग आउट वायरस। तो बोथ बी एंड डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर, डैश स्क्रैम्बल से मैसेज बाय अप्लाइंग ए सीक्रेट कोड, इनक्रिप्शन हो जाएगा ये। 500 बाइट्स इज इक्वल टू कितना? 500 बाइट इज कितना हो जाएगा? 50,000 बाइट इज इक्वल टू 50 कितना जाएगा? किलोबाइट, 50 किलोबाइट। देख लीजिए ऑप्शन कौन है, 50 एमबी तो नहीं होगा, 5 किलोबाइट नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो 50 किलोबाइट होगा इसका आंसर। नेम द टाइप ऑफ मॉनिटरिंग फाइल विच इज कॉमनली यूज एंड एक्सेप्टेड फ्रॉम इंटरनेट साइट, बताइए। तो क्या होगा? नेम द टाइप ऑफ मॉनिटरिंग फाइल्स विच इज कॉमनली यूज ऑन एंड एक्सेप्टेड फ्रॉम इंटरनेट साइट, तो कुकीज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कुकीज। चलिए, विच टेक्नोलॉजी इज यूज बाई सेल फोन्स टू एक्सेस द इंटरनेट, बताइए। तो क्या होगा? माइक्रो ब्राउजर वेबसाइट फॉर सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, द टर्म आई एस डी एन का फुल फॉर्म पूछ दिया, सिंपल क्वेश्चन है, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल भी है। तो आई एस डी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस फुल फॉर्म आपको दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन बनेगा फुल फॉर्म। ठीक है, तो अच्छा से देख के जाइएगा। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, द मेन फोल्डर ऑन या स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड, बताइए उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। क्या बोलते हैं? रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। मेन फोल्डर ऑफ ऑन या स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड रूट डायरेक्टरी। 117 नंबर, इन कंप्यूटिंग डैश इज ए डायरेक्टिव टू कंप्यूटर प्रोग्राम ऑर्डर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, बताइए। तो इसको क्या बोलते हैं? कमांड। ए कमांड इज ए डायरेक्टिव टू कंप्यूटर प्रोग्राम ऑर्डर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क।
चलिए कर्सर क्या है, देखिए कर्सर क्या है, कर्सर इज ए लैटिन फॉर रनर, देखिए बताइए, इट इज इंडिकेटर, सही बात है, अरे क्या हो गया, रुक जाइए, चलिए इंडिकेटर सही बात है, इट इज यूज टू स्टोर डाटा बेस टेबल, सही बात है, कर्सर इज लैटिन फॉर रनर, सही बात है, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। 119 डैश इज एसोसिएटेड टू इंटरनेट मेल, बताइए, तो बोथ ए एंड डी, ए में क्या इनबॉक्स है, डी में क्या ड्राफ्ट है, दोनों मिला के एसोसिएटेड विद इंटरनेट मेल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मॉडिफायर की, सबको पता ही है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल को मॉडिफायर की बोलते, डी इज द राइट आंसर, इंपॉर्टेंट एयर कई बार आया भी है इस क्वेश्चन एग्जाम में। विच अमंग द फॉलोइंग इज समथिंग दैट कैन बी कॉज हार्म, बताइए 121 का, तो कॉज हार्म मतलब थ्रेट। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए स्मॉल प्रोग्राम एम्बेडेड इन साइड ए GIF इमेज, बताइए, जिसका आंसर हो जाएगा वेब बब, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। डैश इज ए कॉमन मीडियम यूज फॉर थीप्स टू स्टील अदर आइडेंटिटी, ईमेल। व्हेन यू सेव इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोजेक्ट व्हाट फाइल फॉर्मेट डू यू यूज, तो ठीक है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोजेक्ट व्हाट फाइल फॉर्मेट डू यू यूज, तो कितना का डॉट ADP, ए इज द राइट आंसर। टू सेलेक्ट ए कॉलम द इजिएस्ट मेथड, बताइए कौन सा होगा, कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए इजिएस्ट मेथड बताइए, चार ऑप्शन पढ़िए, तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लिक द कॉलम हेडिंग, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेलिंग द कंप्यूटर टू व्हाट टू डू इज कॉल्ड प्रोग्राम, डैश काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, चलिए बताइए जावा कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डैश इज ए सॉफ्टवेयर, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज ए सॉफ्टवेयर, ए इज द राइट आंसर। चलिए 129 नंबर बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग आर द टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, दो टाइप के कंप्यूटर मेमोरी कौन सा होता है दोस्तों, बताइए, तो रैम और रोम सबको ही पता है, रोम कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, रैम क्या होता है, वोलेटाइल होता है। डैश कंप्यूटर बस कनेक्ट द मेन मेमोरी टू द कंप्यूटर कंट्रोल इन योर कंप्यूटर सिस्टम, बताइए 130 का, मेमोरी बस। मैनिपुलेशन ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। 132 नंबर, इज नॉट ए हार्डवेयर, हार्डवेयर कोड नहीं है, UPS हार्डवेयर है, CPU हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। द टर्म CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, ये इज द राइट आंसर। चलिए 134 का बताइए, हाउ कैन द यूजर डिटरमाइन व्हाट प्रोग्राम आर अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर, बताइए, चलिए चेकिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ए लिस्ट ऑफ इंस्टॉल प्रोग्राम, इससे चेक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ई से। डैश प्रोसेस चेक टू इंश्योर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टिंग प्रॉपरली, तो बूटिंग बोलते हैं इसको। प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स, बताइए प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोसेसिंग क्या काम करता है, ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। फॉर्मेटिंग ए डिस्क रिजल्ट इन ऑल द डाटा बीइंग डिलीटेड फ्रॉम द डिस्क, फॉर्मेटिंग ए डिस्क रिजल्ट इन ऑल द डाटा बीइंग, तो बताइए डिलीटेड फ्रॉम द डिस्क, 137 का सी हो जाएगा। चलिए 138 बताइए, डैश इज ए पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कैन नॉट बी टच्ड, किसको नहीं टच कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है ये, तो सॉफ्टवेयर ऐसा जो टच नहीं कर सकते, ठीक है। टर्मिनल क्या है बताइए, पॉइंट एट विच डाटा इंटर और लिव द कंप्यूटर इज कॉल्ड टर्मिनल, 139 के सी हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताइए, द परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है ऑन ए कंप्यूटर यूजर, बी इज द राइट आंसर। 143, अच्छा कुछ क्वेश्चन रह गया था भाई, तो चलिए 141 नंबर, इज ए वीडियो फॉर्मेट, कौन सा वीडियो फॉर्मेट होता है बताइए, FLV, ठीक है, फ्लैशिंग वीडियो बोलते हैं इसको, फ्लैशिंग वीडियो बोलते हैं इसको, FLV का। 142, डैश ग्राफिकली रिप्रेजेंट एन इंटर रिलेशनशिप अमंग एंटिटीज इन डाटा बेस, उसको क्या बोलते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप प्रोग्राम बोलते हैं, सी इज द राइट आंसर। डैश नंबर सिस्टम है जो बेस 8, बेस 8 किस में होता है,
ऑक्टल में, हेक्सल में 16 होता है। सीडी रोम कैसा होता है? सीडी रोम क्या होता है? कैच मेमोरी नहीं, मेमोरी रजिस्टर नहीं, सीडी रोम क्या है? सिंपल एक मेमोरी होता है, ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी वाली मेमोरी, जो कि वोलेटाइल नेचर का होता है, नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है, ठीक है। 145, द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज स्टोर्ड इन, कहाँ पे होता है ये इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजिंग भी, रोम में होता है, कहाँ पे? रोम में होता है। चलिए, डैश इज द डिफॉल्ट कॉलम विथ एम एस एक्सेल, द डिफॉल्ट कितना होता है? 8.43, ठीक है, 146 का। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला, ठीक है, यदि आप देख लेते तो आपको शायद बढ़िया हो जाएगा, नहीं देखते तो शायद आप बाहर हो जाइएगा, और क्या, बड़ी बात नहीं है इसमें कुछ। डैश इज ए नोट ऑन एनोटेशंस दैट एन ऑथर एंड और रिव्यूअर एड टू योर डॉक्यूमेंट, इज कॉल्ड कमेंट। हाउ कैन द यूजर डिटरमाइन व्हाट प्रोग्राम आर अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर, बताइए, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो यह वॉज चेकिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ए लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड प्रोग्राम। कैचे एंड मेन मेमोरी विल लूज देयर कंटेंट व्हेन द पावर ऑफ, दे आर पावर ऑफ लू, तो इसको वोलेटाइल बोलते हैं। सी जी आई एफ का फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, बताइए। चलिए, जी आई एफ का फुल फॉर्म बताइए, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट क्या होता है? 150 का बी, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द कंट्रोल एक्सेस टू द रिसोर्स ऑन योर नेटवर्क, सर्वर। डैश डाटा फंक्शन वुड यू यूज टू हाइड ऑल रो इन वर्कशीट एक्सेप्ट दोज दैट मीट सम क्राइटेरिया यू स्पेसिफाई, उसको क्या बोलते हैं बताइए? 152 का कस्टम फिल्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए, डैश इज द शॉर्टकट की, शॉर्टकट के एग्जाम में आएंगे, इंपॉर्टेंट है, टू ओपन द ओपन डायलॉग्स बॉक्स, तो बताइए 153 का। तो ओपन डायलॉग्स बॉक्स, तो कंट्रोल प्लस F12, ठीक है, कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट की, टू ओपन द ओपन डायलॉग्स बॉक्स, कंट्रोल प्लस F12 इंपॉर्टेंट है। कमांड्स एट द टॉप ऑफ स्क्रीन सच एज फाइल एडिट फॉर्मेट एंड टूल्स, ये कहाँ पे अब देखने को मिलता है हमको, बताइए? तो ये देखने को मिलता है हमारे मेन्यू बार में, कहाँ पे? मेन्यू बार में, ठीक है। मॉडेम स्टैंड फॉर मेडुलेशन डिमोडुलेशन, दोनों का था, ठीक, मेडुलेशन और डिमोडुलेशन, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ वेब टेक्नोलॉजी क्रिएट्स एन ऑनलाइन कम्युनिटी वेयर पीपल कैन मेक स्टेटमेंट एंड अदर कैन रीड एंड रिस्पोंड टू दोज स्टेटमेंट। चलिए, तो क्या बोलते हैं इसको? ब्लॉग बोलते हैं, BLOG, ब्लॉग बोलते हैं इसको। एक्चुअल एजुकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन ए कंप्यूटर टेक्स प्लेस इन, कहाँ पे लगता है एक्चुअल एजुकेशन? कहाँ पे? ALU में, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस एनेबलिंग डाटा ट्रांसफर बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गेटवे, क्या बोलते हैं? गेटवे। डैश लेयर इन द TCP/IP प्रोटोकॉल कितना होता है? 5 होता है इसमें शायद, ठीक है, 5 होता है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। लेयर कितना, TCP/IP का कितना लेयर होता है? 5 होता है टोटल, ठीक है, याद रखना है आपको। OSI मॉडल में कितना लेयर होता है? 7 होता है, इसमें कितना होता है? 5 होता है, तो 159 का ई हो जाएगा। चलिए, इतना इस टाइप क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। 161 इन पावर पॉइंट, डैश इज द फंक्शन ऑफ अल्ट प्लस एन, नेविगेट द रिबन विद ओनली वन कीबोर्ड, तो अल्ट प्लस एन का क्या काम है बताइए? अल्ट प्लस एन का क्या काम है? इसका काम है ओपन द इंसर्ट टैब, क्या काम कर, ओपन द इंसर्ट टैब, अल्ट प्लस एन ओपन द इंसर्ट टैब, 161 का सी हो जाएगा। डैश इज ए बेस ऑफ हेक्सा डेसिमल नंबर, हेक्सा डेसिमल कितना होता है बताइए? 16 होता है, तो 16 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर DE हो जाएगा, हेक्सा डेसिमल में 16 होता है। ए हाई स्पीड डिवाइस यूज इन CPU फॉर ए टेम्पोररी स्टोरेज रनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड रजिस्टर। हाई स्पीड डिवाइस यूज इन CPU फॉर ए टेम्पोररी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेस कॉल्ड रजिस्टर। व्हेन ए कंप्यूटर इज टर्न ऑन वेयर डज इट गेट द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इट लोड इनटू रैम, कहाँ पे होता है बताइए? 164 का बताइए क्या होगा? 164 फ्रॉम रोम हो जाएगा, ठीक है। When you are rerouted from your requested internet site to another and desired site is called,
उसको बोलते हैं फार्मिंग, क्या बोलते हैं फार्मिंग। डैश इज यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन टू अदर डॉक्यूमेंट और लोकेशन विद इन ए वेबसाइट इज कॉल्ड हाइपर लिंक। स्पीड ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर मेजर्ड फ्लॉप्स, ठीक है। फोरट्रेन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज मोर सुटेबल फॉर न्यूमेरिक कंप्यूटेशन और साइंटिफिक एप्लीकेशन, ई इज द राइट आंसर। डैश इज यूज टू ओपन फाइल मेन्यू ऑप्शन इन करेंट प्रोग्राम, तो कंट्रोल प्लस एफ, एल्ट प्लस एफ, बताइए कौन होगा, एल्ट प्लस एफ हो जाएगा, ठीक है। एल्ट प्लस एफ यूज टू ओपन फाइल मेन्यू ऑप्शन इन करेंट प्रोग्राम, एल्ट प्लस एफ। गिवन द फॉलोइंग URL, ठीक है, URL पूरा देख लीजिए, ये क्या है, इतना क्या है, तो इसमें तो डोमेन नेम और पोर्ट होता है, क्या डोमेन नेम और पोर्ट, 170 का ये हो जाएगा। डैश अलाउज यू टू वर्बली स्पीक विथ समवन ओवर द इंटरनेट, तो VoIP हो जाएगा, ठीक है। द मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्टेड इन, मल्टी प्रोग्रामिंग कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, बताइए कौन सा जनरेशन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये स्टार्ट किया गया था थर्ड जनरेशन में, ठीक है। थर्ड जनरेशन मतलब IC यूज हुआ था। द कोडिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट फॉर यू द इंटरनेट, इसको बोलते हैं लैंग्वेज बोलता है HTML, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, HTML। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ऑल ग्राफिकल फाइल, एक सेंसर कौन सा है, तो देख लीजिए JPG है, GIF है, BMP, तीन हुए, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP का फुल फॉर्म है, बी इज द राइट आंसर। एडवर्ड्स क्या है बताइए, एडवर्ड्स कुछ ना, एडवर्टाइजिंग सर्विस बाय गूगल, क्या है, एडवर्टाइजिंग सर्विस बाय गूगल, इसको बोलते हैं एडवर्ड्स बोलते हैं, सी इज द राइट आंसर। द टेक्निक इन विच एन अट्रैकर कन्विंस एन ऑथराइज्ड यूजर टू पास क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन टू एन अनऑथराइज पर्सन इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं उसको। व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम दैट द यूजर टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट एंड देयर कॉजेज, बताइए क्या होगा, कुकीज हो जाएगा इसका आंसर, सॉरी डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको। चलिए 179 बोलिए। डैश इज अ रिसेंट वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा है, अभी तभी तो विंडो 11 आ चुका है, ठीक है, तभी इसमें से कोई नहीं होगा, विंडो 10 तो खत्म हो गया, विंडो 11 इज द राइट आंसर होगा अभी, ठीक है। ऑल एक्सेल फार्मूला स्टार्ट विथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे स्टार्ट होता है, इक्वल टू के साथ स्टार्ट होता है, ठीक है, इक्वल टू देने के बाद ही कोई फार्मूला स्टार्ट होता है MS एक्सेल में, ठीक है। डैश इज द ग्लोबल एक्सेस शॉर्टकट की फॉर ओपनिंग ए न्यू डाटाबेस इन MS एक्सेस, बताइए, तो हो जाएगा इसका F2, 181 का C हो जाएगा। डैश इज आर द नेम ऑफ द एप्लीकेशन सिमिलर टू MS ऑफिस, देखिए डैश इज एग्जाम इज आर द नेम ऑफ द एप्लीकेशन सिमिलर टू MS ऑफिस, तो लाइब्रेरी ऑफिस, फ्री ऑफिस, ओपन ऑफिस, ANC, ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। इज नॉट द बाइनरी नंबर, बताइए कौन सा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ई, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। 183 का बताइए 183 क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी मतलब टू नहीं होगा, ठीक है, 0 और 1 होता आपको पता ही होगा बाइनरी, ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, नन ऑफ दिस कैसे हो जाएगा यार। द टर्म यूनिवेक का स्टैंड, यूनिवेक का यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बताइए क्या होगा फॉर्मूला, फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, सी ए इज द राइट आंसर। मोर देन TB, एक बताए थे आप लोग ट्रिक, क्या बताए थे, देखो के किलोबाइट और मेगाबाइट तो आपको याद ही रखना, ठीक, बड़ा होता है, उसके बाद क्या याद कराते हैं, जीजा तेरा पेट एक्स्ट्रा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, जीजा तेरा पेट एक्स्ट्रा, तो बताइए क्या पूछा है। मोर देन टीबी से ज़्यादा कौन है, टीबी से कौन ज़्यादा है, पी वाला है या ई वाला है, तो पी वाला कौन है, पी वाला पेटाबाइट है, देख रहे हैं, इस तरह क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। If you wish to extend the length of the network without having the signal degrade, उसको क्या बोलते हैं, 186 क्वेश्चन आया हुआ कई बार, उसको बोलते हैं रिपीटर बोलते हैं उसको। A web address is a unique name and identifies a specific dash on the internet, तो website. The dash button on the quick access toolbar allow you to cancel your recent command
ऑन एक्टिविटीज़, उसको क्या बोलते हैं, अंडू बोलते हैं उसको, 188 का ए हो जाएगा। चलिए इसका बताइए, डब्ल्यू वाई एस आई डब्ल्यू आई जी, इसका मतलब तो व्हाट यू सी, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, इसका आंसर ई हो जाएगा। नेम द टाइप ऑफ मेमोरी दैट स्टोर डाटा इन लार्ज नंबर, हार्ड डिस्क हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जनरली वेब एड्रेस इज लोकेटेड इन, वेब एड्रेस कहाँ पर लोकेटेड होता है, यू आर एल 191 का डी। चलिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल सो दे कैन बी प्रोसेस्ड बाय रिसीविंग कंप्यूटर इज रेफर टू एज, उसको क्या बोलते हैं बताइए, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन बोलते हैं। डैश इज आर क्रिएटेड व्हेन टू टेबल्स आर जॉइंट ऑन एट्रीब्यूट्स दैट आर नेदर प्राइमरी की नॉर फॉरेनर की, इसको क्या बोलते हैं, इसको कौन सा की बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पूरियस की टप्पल बोलते हैं, स्पूरियस टप्पल। फ्रॉम वेयर टू वेयर इज मल्टीकास्ट मैसेज सेंट, तो फ्रॉम वन सोर्स टू तो मल्टीपल डेस्टिनेशन, ठीक है, 194 का सी हो जाएगा, फ्रॉम वन सोर्स टू मल्टीपल डेस्टिनेशन। चलिए, नेम द ऑपरेटिंग सिस्टम बताइए कौन सा है, तो MSC ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एसोसिएटेड विद दैट कॉमन कम्युनिकेशन लाइन वायरलेस लिंक टू ए सर्वर विद इन ए स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, स्मॉल मोले तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क। JPEG का फुल बताइए, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, डी इज द राइट आंसर। सेलेक्ट द ऑड वन बताइए कौन सा ऑड है, कमर्शियल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, सिस्टम लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो कौन सा लैंग्वेज ऑड है, तो कमर्शियल लैंग्वेज ऑड है। 10-24 TB, फिर वही बात हो गया, जीजा तेरा पेट एक्स्ट्रा, देख लीजिए यहाँ TB है, किसके बराबर होगा बताइए, बताइए आप लोग करवाएं तो बताइए। TB के बाद क्या होगा, पेटा, तो पेटा के बराबर, एक पेटा के बराबर हो जाएगा, सीक्वेंस देख लीजिए आप लोग, आएगा एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज MS Excel में, MS Excel में कौन सा होता है, .xlsx, डी द राइट आंसर। इन पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड इन योर स्लाइड शो व्यू, द स्पेस बार एंट्री की राइट क्लिक, A and B बोथ, ESC कैप, ठीक है, तो क्या होगा, ESC की हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, कीबोर्ड कन्वर्ट करेक्टर टू ASCII करेक्टर में, किसमें, ASCII, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ASCII कोड में कन्वर्ट करता है कीबोर्ड, ठीक है। इच टाइम यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर इट विल चेक ऑन द डैश कंट्रोल फाइल, तो ऑल ऑफ द एबव सारे हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, आज का पार्ट सेकंड का लास्ट क्वेश्चन होने वाला, एक और पार्ट आएगा दोस्तों, पूरा पार्ट देखिएगा तो एग्जाम में आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम यहाँ से, ठीक है। MPEG का फुल बताइए, चलिए, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप क्या होता है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, 204 का बी हो जाएगा। MPEG मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, देखिए मोशन पिक्चर कहाँ पे, देखिए मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्राफिक है यहाँ, तो ग्रुप होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। चलिए चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।